हेलो एवरीवन माय नेम इज़ आयुषी एंड वेलकम टू दिस चैनल आज हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है और आज हम जो सॉल्यूशन में पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस के साथ डील करेंगे और कुछ फॉर्मूले सीखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन फॉर्मुलों को क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना सीखेंगे ठीक है तो आज सिर्फ बेसिक की क्लास है यानी हम कुछ सीखने वाले हैं और अगली क्लास में हम अप्लाई करना सीखेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और हाँ सोल्यूशन को करने के लिए आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको कैलकुलशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए छोटा मोटा लाइक आपको एक लीटर से एम में कन्वर्ट करना या एम से लीटर में कन्वर्ट करना या किलोग्राम से ग्राम में ग्राम से किलोग्राम में करना आना चाहिए ठीक है तो ये तो बेसिक सी बातें हो गई अब आते हैं हम सोल्यूशन पे तो सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर का मीनिंग ही क्या है सोल्यूशन क्या कहता है हमें सल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है कुछ कंपाउंड्स आपने मिक्स करके बनाए होंगे तो सोल्यूशन बन गया यानी आपका कोई मिक्सचर है कुछ डाला होगा आपने अलग अलग सब्सटेंसेस डाले होंगे मिक्स किए होंगे तो आपका सल्यूशन बन गया होगा करेक्ट अब घर में अगर मैं चीनी और पानी का मिक्सचर बनाऊं तो क्या होता है चीनी डालती हूँ थोड़ी सी पानी डालती हूँ और अगर मैं नींबू भी डालना चाहूँ तो नींबू भी डालती हूँ तो मैं दो या तीन सब्सटेंसेस का क्या कर रही हूँ मिक्सचर बना रही हूँ और उसी को हम क्या कहते हैं सोल्यूशन तो ये चैप्टर का मीनिंग तो हमें समझ आ गया कि सल्यूशन क्या होता है ठीक है तो सल्यूशन की डेफिनेशन लिखो बच्चों अ सल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर Compounds which are non-reacting, which are non-reacting. Gavranamat Sabsam Jangi non-reacting whose composition cannot change. Sorry, whose composition can be varied. विद इन सर्टेन लिमिट्स विद इन सर्टेन लिमिट्स ठीक है तो आपका अब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो समझने जरूरी है हमारे लिए सल्यूशन एक होमोजिनस मिक्सचर है आप लोगों को मैंने एक क्लास में होमोजीनियस मिक्सर हाइड्रोजीनियस मिक्सर का डिफरेंस बताया था होमोजेनस मिक्सचर यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया बट वो इस तरह से मिक्स हुए कि आपको फर्क नहीं पता चल रहा कि उसमें क्या मिक्स्ड है लाइक like आपका अगर चीनी और पानी या नमक और पानी का घोल बनाती हो तो दैट आर होमोजिनस मिक्सचर पता चलता है उसमें कि आपका चीनी मिली हुई है या आपका सॉल्ट मिला हुआ है नहीं पता चलता ठीक है तो होमोजीनस मिक्सचर जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है आपको पता नहीं चलता फर्क कि इसमें और कोई कंपाउंड मिक्स होगा ठीक है और ये बेसिकली जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिंग यानी रिएक्शन नहीं दिखाते लाइक कलर चेंज नहीं कर देते या कुछ और ठीक है तो रिएक्टिंग नहीं होते हैं ये नॉन रिएक्टिंग होते हैं ठीक है हुज कम्पोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन और हम इनकी कंपोजिशन कुछ लिमिट्स तक चेंज कर सकते हैं मतलब लाइक अगर मैं इसको अगर ज्यादा चीनी डाल दूं तो इसकी कंपोजिशन चेंज होने लगेगी और ज्यादा चीनी तो हल्का हल्का फ्लूडिटी कम होने लगेगी चाशनी जैसी बनने लगेगी तो कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं ठीक है कुछ सर्टेन लिमिट्स तक ज्यादा नहीं तो ये थी हमारी सोल्यूशन की डेफिनेशन ठीक है अब बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका सल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है सोल्यूशन में एक होगा आपका सॉल्वेंट एक सेकेंड सल्यूशन में आपका एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट इन दोनों को मिक्स कर देती हूं तो मेरा क्या बन जाता है सल्यूशन क्या बन जाता है सल्यूशन ठीक है तो आपका मतलब क्या हुआ ये सॉल्वेंट है और ये सल्यूट अब ये दोनों क्या होते हैं सोल्यूशन तो हमें समझ आ गया दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर और वो भी होमोजेनस और जो रिएक्ट ना करे तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है इन लार्ज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी ठीक है तो बच्चों अभी आप इस इन चीजों को सिर्फ समझो ठीक है अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक आ जाएगा या पी आपको दे दी जाएगी आप उस पीडीएफ से नोट्स बना सकते हो वो नोट्स वाली पीडीएफ है आप उसको डायरेक्टली पढ़ भी सकते हो ठीक है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ठीक तो अब आप, आपके दोबारा चैप्टर पे आते हैं यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अब लार्ज या स्मॉल क्वांटिटी का कैसे पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नमक और पानी ले रही हूँ सॉल्ट एंड वाटर ले रही हूँ तो उसमें आपका सॉल्ट क्या है आपका सॉल्ट सल्यूट है क्योंकि कम क्वांटिटी में जा रहा है और सॉल्वेंट क्या है वाटर है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा है और इन दोनों का मिक्सचर क्या बनाता है सल्यूशन ठीक है तो ये होता है आपका सॉल्वेंट और सल्यूट समझ आ गया होगा जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो बाय मास यानी मास यानी जो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डाला जाए वो सॉल्वेंट जो कम क्वांटिटी में डाला जाए वो सल्यूट ठीक है आ, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ अब देखो यहाँ पे आपका जो सल्यूट एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट का यूज होगा एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट का यूज होगा सल्यूशन बनाने में तो उसको हम बाइनरी सल्यूशन कहते हैं क्या कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है तो ये तो था बेसिक थाल्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है एंड सॉल्वेंट और ये आपका बाइनरी क्या होता है ठीक है अब कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं एक्वस और नॉन एक्व सोल्यूशन का मान लो आपको न्यूमेरिकल में एक्व सोल्यूशन बोला है या मान लो आपको नॉन एक्व सोल्यूशन बोला है तो ये तो बेसिक चीजें हैं तो हम पढ़ते हैं एक्वस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन को तो बेसिकली एक्वा सोल्यूशन क्या है कि आपका जो भी सोल्यूशन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर बन रहा है सोल्यूशन इन वॉटर वॉटर की प्रेजेंस में बन रहा है सोल्यूशन इन वॉटर ठीक है और अगर मैं वही बात करूं नॉन एक्वा सोल्यूशन की नॉन एक्वा सोल्यूशन की एक यू से डोनेट कर सकते हो आप ठीक है छोटा लिखने के लिए एंड नॉन एक्वा सोलूशन आपके सोल्यूशन नॉट इन वॉटर ठीक है सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट नहीं होता वॉटर वाटर में नहीं होता ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक ठीक है? है? यानी जो solution water में नहीं होता, जिसमें solvent water नहीं होता, होता, जिसमें ले लो आप, है? तो ये आपका जो सोलूशन है इसमें वाटर नहीं होता ठीक है क्लियर है सबको एक्वस एंड नॉन एक्वल्यूशन ठीक है अब आते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशन में जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है अब आते हैं हम एसिड बेसिस एंड पे। ये क्या होते हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट सबने क्लास में कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा ठीक है मैं मानती हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा बट आप लोग यहां से और नॉलेज गेन कर सकते हो एसिड क्या होता है एसिड वो होता है जो वाटर की प्रेजेंस में अपना एच प्लस कंसेंट्रेशन दे क्या दे गिव एच आय गि आयन यानी आपका H प्लस आयन दे इन वॉटर क्या दे वॉटर वॉटर के अंदर H प्लस आयन दे ठीक है तो उनको हम एसिड्स कहते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एच सी एल ले लूँ ठीक है तो एच सी एल को अगर एक्सो सोल्यूशन में मैं डालती हूँ तो आपका H प्लस एन प्लस सी एल नेगेटिव आए तो यहाँ H प्लस की प्रोडक्शन हो रही है यानी ये H प्लस दे रहा है तो ये क्या हो गया हमारा HCl एसिड हो गया फॉर एग्जाम्पल एच टू एसओ फोर अगर एच टू एसओ फोर लू तो यहाँ पे आ जाएगा टू एच प्लस आयन प्लस एसओ फोर टू माइनस आयन ठीक है तो आपका यहाँ क्या हो रहा है 2 आयन, तो आपका दो एच प्लस आयन आ रहे हैं साइमल्टेनियसली तो ठीक है तो यहाँ पे भी एच प्लस आयन की प्रोडक्शन है तो एच टू एसओ फोर भी क्या है एसिड है ठीक है क्लियर बच्चों अब यहाँ पे एसिड का तो हमें समझ आ गया अब मान लो मैं बोलूं कि वाटर भी तो है आपके पास आपके पास वाटर भी तो है फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो सी एच फोर ले लो तो इसमें भी तो H है, है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो आपके क्या निकले एसिड ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनमें हाइड्रोजन हो वो एसिड निकले ठीक है कुछ ही होते हैं जो एच प्लस आय इन वाटर देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने जितने कंपाउंड हाइड्रोजन आपको वो दिखते हैं जिन कंपाउंड आपको हाइड्रोजन दिखते हैं वो आपके एसिड ही हो ठीक है तो ये था हमारा एसिड के बारे में आगे बढ़ते हैं बेसिस पर ठीक है बेस पे आते हैं बेस क्या होता है अब जैसे एसिड ओ एच सॉरी एच प्लस आयन दे रहा था वैसे ही बेस ओ एच माइनस आयन देता है इन वाटर जो बेस होते हैं वो अगर ओ एच माइनस आयन दे रहे हैं वॉटर के अंदर तो वो क्या है बेस फॉर एग्जाम्पल NaOH। अगर मैं एन एच को डिसोसिएट करती हूँ वॉटर में तो एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच माइनस हमें मिलेगा यानी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच एस हाइड्रोक्साइड आयन ठीक है तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है बेस ठीक है क्या है बेस ऐसे ही अगर मैं के ओ एच ले लू तो के ओ एच में के पॉजिटिव प्लस ओ एच माइनस तो यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है ओ एच माइनस यानी ये भी क्या है आपका बेस है ठीक है तो यहाँ पे आपको बेस के बारे में भी क्लियर हो गया जो ये आपके बेस होते हैं अच्छा अब कोई लोग बोलते हैं कि एल्कली भी बताओ भाई एल्कली क्या होता है आपका सोल्यूशन ऑफ बेसिस लिख सकते तो ये है आपका क्या एल्कली जब एक्व सल्यूशन हो बेस का उसको हम क्या कहते हैं एल्कली यानी इन वॉटर हो बेस तो उसको हम क्या कहते हैं एल्कली तो डिफरेंस होता है बेस और एल्कली में ठीक है सेम नहीं होते ये दोनों नेक्स्ट आते हैं हम सोल्ट पे सोल्ट पे आते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं बेसिकली सॉल्ट्स के लिए जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस में किसमें एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का किसका सॉल्ट और वाटर का जब ये रिएक्शन होगी एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू मेक सॉल्ट एंड वाटर इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये है आपका सॉल्ट जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है एसिड और बेस को मिला के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका यहाँ पे एसिड ले लू एच सी एल और यहाँ पे बेस ले लू एन एच और इन दोनों का रिएक्शन करा दू तो आपका बन जाता है एन ए सी एल प्लस वाटर ठीक है तो ये आपकी क्या हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई अब आप देख रहे हो गे यहाँ जो एन ए सी एल बना है दिस इज सॉल्ट और रोजमर्रा की आ, जिंदगी में हम एन ए सी एल ही खाते हैं एन एस सी एल इज अ कॉमन सॉल्ट वी यूज इन आर डेली लाइफ ठीक है तो ये आपका क्या है एन ए सी एल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एसिड क्या होते हैं बेसिस क्या होते हैं सॉल्ट क्या होते हैं दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग एसिड वो जो आयन दे एल्कली वो जो एक्व सोल्यूशन होते हैं बेसिस के उनको हम एल्कली कहते हैं डिफरेंस है उसमें बेस और एल्कली में सॉल्ट वो जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एच सी एल प्लस बनाता है और NaCl सी एल हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ठीक है तो ये थी आपकी बेसिकली थोड़ी सी सी डेफिनेशन अब आते हैं हम कुछ एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पढ़ते हैं ठीक है एसिडिटी और बेसिसिटी एसिडिटी क्या होता है आप लोग सोच रहे जो H दे वो ज्यादा वो एसिडिटी होते लेकिन ऐसा नहीं होता जो ऐसे कंपाउंड OH OH करते हैं ऐसे बेसिस जो ओ एच आयन फर्निश करते हैं इन अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के द्वारा अगर ओ एच आयन फर्निश हो रहे हैं यानी बन रहे हैं उसको हम एसिडिटी से डिफाइन करते हैं ठीक है तो ओ एच आयन जिसमें फर्निश होते हैं क्या होते हैं फर्निश बाय मोलिक्यूल बाय मोलिक्यूल फर्निश बाय मोलिक्यूल इसको हम क्या कहते हैं एसिडिटी तो इसको कन्फ्यूज मत करना एसिड और बेस से एसिडिटी वो जो ओ एच माइनस आयन फर्निश करते हैं कुछ मोलिक्यूल उनको हम एसिडिटी से डिफाइन करते हैं और यह भी इन एक्व सोल्यूशन होता है क्या होता है इन एक्व सोल्यूशन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका ले लेती हूँ यहाँ पे एन ए ओ एच NaOH, तो अगर मैं इसकी एसिडिटी पूछती हूँ क्या है तो इसकी एसिडिटी वन है क्यों है क्योंकि एक ही ओ एच आईन फर्निश हो रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी ए ओ एच होल्टवाइस लेती हूँ तो यहाँ पे इसकी एसिडिटी टू है क्यों है क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो ओ एच आयन प्रोड्यूस होंगे इन एक्वलूशन ठीक है तो ये है आपकी एसिडिटी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके ओएच आयन को फर्निश करते हैं इन एक्व सल्यूशन उनको हम एसिडिटी से डिफाइन करते हैं जितने ज्यादा ओ एच आयन उतनी ज्यादा एसिडिटी एक ओएच आयन फर्निश हुआ तो एक दो ओएच आयन फर्निश हुए तो दो एसिडिटी ठीक है तो ये आपकी एसिडिटी थी अब आते हैं हम बेसिसिटी पे ठीक है अब आते हैं बेसिसिटी पे बेसिसिटी क्या होता है बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एच प्लस आयंस फर्निश बाय वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जितने एच प्लस आयन फर्निश करेगा इन एक्वस सोल्यूशन बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्वस सोल्यूशन उसको हम बेसिसिटी से डिफाइन करेंगे अब फॉर एग्जाम्पल आपका मैं एच ले, एल लेती हूँ तो यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन एक होगी ऑफ ऑफकोर्स एक होगी तो बेसिसिटी भी वन होगी ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ले लू एच टू फोर तो यहाँ पे जो बेसिसिटी होगी वो टू होगी क्यों होगी टू क्योंकि साइमिलटेनियसली दो H प्लस आय आपके प्रोड्यूस यानी फर्निश होंगे आपके तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी दो तो याद रखना एसिडिटी और बेसिसिटी दो डिफरेंट टर्म्स है एसिड और बेसिस से ठीक है तो आगे जाके ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए अब आते हैं हम कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स पे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा मेरा एक चैनल है रसायन विज्ञान कोचिंग आप लोग वहां जाके जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो और डीप नॉलेज में पढ़ सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना उस चैनल को एंड ऑल्सो इस चैनल को भी आप प्लीज़ प्रमोट कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर्स का क्राइटेरिया और आपको पढ़ना पसंद है हमारे लेक्चर्स से तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को रसायन विज्ञान कोचिंग आपको ऊपर आई बटन पे मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहां जाके मेरे चैनल को देख सकते हैं ठीक है एंड ऑन डिमांड लेक्चर्स भी वहां मैं दे देती हूँ तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको उस टॉपिक पे हेल्प कर सकती हूँ बाय मेकिंग अ वीडियो ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं आप हम लोग आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में कंसंट्रेशन की टर्म्स पे ठीक है कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे एक तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होता है स्ट्रेंथ क्या होती है ठीक है सबसे पहले कंसेंट्रेशन ही जान लेते हैं क्या होता है तो अमाउंट ऑफ सल्यूट कितने सॉल्वेंट में यानी बेसिकली आपके कितने सॉल्वेंट में कितना सल्यूट डिजोल्व हुआ है ठीक है तो सॉल्वेंट के अंदर कितना सल्यूट डिजोल्व हुआ है वो कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है कंसेंट्रेशन टर्म्स हम वेरियस टाइप से पढ़ते हैं स्ट्रेंथ मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मैलिटी एक्सेट्रा सॉरी नॉर्मैलिटी ठीक है तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कंसनट्रेशन टर्म्स हैं स्ट्रेंथ मुलाइलिटी एंड नॉर्मैलिटी और भी कंसेंट्रेशन टर्म्स है जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया ठीक है तो आपको अभी ये चार पढ़नी है इन चार के बाद अगर आगे आपका आता है तो मैं वो आपको समझाने के लिए तैयार हूँ ठीक है तो लेकिन आज हम इनके फॉर्मुले देखेंगे और उसके बाद इनको अप्लाई करना सीखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ वाली टर्म पे आती हूँ स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी स्ट्रेंथ ठीक है सॉरी पहले स्ट्रेंथ से पहले हम एक चीज जान लेते हैं स्ट्रेंथ से पहले हम क्या जानेंगे आपका जो सो so, अभी हम लोग पहले क्या करेंगे पहले हम मोलैलिटी नॉर्मैलिटी या मोलैरिटी पढ़ने से पहले इनमें मोल्स की जरूरत पड़ती है और मोल्स कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मोल की जगह आपको मास दिया हुआ होता है ठीक है तो अगर मोल्स निकालने हैं तो रामबाण इलाज है मोल कॉन्सेप्ट का मोल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो जो मैं आपके सामने लिख रही हूं मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर इक्वल टू मॉलिक्यूल या एटम अपॉन अवेगैड्रो नंबर यानी नंबर क्या होता है 6.022 10 की पावर 23 तो बच्चों बेसिकली मैं यहाँ आपको क्यों बता रही हूँ अब मान लो क्वेश्चन में बोला है कि आपका मास सल्यूट का इतना है मोलर मास इतना है फाइंड आउट मोलारिटी या आपका नॉर्मैलिटी या आपका मोलैलिटी तो क्या आप फाइंड कर पाओगे बिना मोल के नहीं कर पाओगे अगर आपको अभी आपके आगे ये जो फॉर्मूले आएंगे उसमें देखना अभी मोल आएगा ठीक है तो अगर मोल नहीं दिया हो मास दिया हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगा के आप मोल निकाल सकते हो करेक्ट अगर आपके पास बोला है वॉल्यूम अगर आपके पास दिया है वॉल्यूम ठीक है और आपको मोल चाहिए तो आप मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर लिख सकते हो ठीक है अगर आपके पास मान लो मॉलिक्यूल या एटम में से कोई दे रखा है तो आप मोल की वैल्यू इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर एंड मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल या एटम अपॉन 6.022 10 की पावर 23 ठीक है तो आप इस तरह से मोल निकाल सकते हो इन फैक्ट आपको मोल नहीं लगाना आपको वॉल्यूम निकालना है और आपके पास मास और गिवन मास और मोलर मास है तो आप इन दोनों के फॉर्मूले को यूज करके काम कर सकते हो कर सकते हो हाँ कर सकते हो तो आप इस फॉर्मूले से इसलिए मैं ये कह रही हूं कि ये आपका रामबाण फार्मूला है एक बार लर्न हो गया मोल फ्रैक्शन सॉरी मोल कांसेप्ट के क्वेश्चंस इज़िली क्लियर होंगे इज़िली बहुत इज़िली बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है बहुत इज़िली आपके आंसर्स आ जाएंगे ठीक है तो हम बढ़ते हैं आगे आपके स्ट्रेंथ पे ठीक है तो स्ट्रेंथ में क्या आएगा आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अच्छा यहाँ पे मोल नहीं दे रखा तो हमें जरूरत नहीं है मोल कंसेप्ट लगाने की ठीक है लेकिन अगर आपको मान लो बोला है स्ट्रेंथ निकालो और आपको मोल दे रखा है तो आप मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो ठीक है तो खैर यहाँ पे मास मास्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना मास सल्यूट का प्रेजेंट है एक लीटर सल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर एक लीटर सल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है वो भी ग्राम्स में इसको हम स्ट्रेंथ से डिफाइन करते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर अगेन आई एम रिपीटिंग स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कितना सल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है एक लीटर सल्यूशन में ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे अगला है आपका नॉर्मैलिटी 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 कैसे डिफाइन करते हैं नंबर्स पहले आप फॉर्मूला देख लो उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है तो जितना equivalent, equivalent का होगा, एक लीटर सोल्यूशन में उसको हम नॉर्मेलिटी से डिफाइन करेंगे अच्छा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम अगर हमें नॉर्मैलिटी निकालनी है तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इधर आपको जनरली ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया ही होगा इनफेक्ट नहीं दिया होता तो आप इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सल्यूट कैसे निकाल सकते हो बेसिकली अगर आपके पास एलिमेंट है तो आप मास ऑफ एलिमेंट अपॉन देखो ग्राम इक्विवेलेंट अगर एलिमेंट का दिया है मैं सिर्फ एलिमेंट का बता रही क्योंकि जनरली एलिमेंट से ही पूछा जाता है अगर आगे आपको आयन बेस या एसिड से पूछा जाता है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी लेकिन अभी आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट अगर निकालना है तो एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ Element upon valency of element, valency of element. तो बेसिकली आपका ग्राम इक्विवेलेंट एलिमेंट का इस तरह से निकल जाता है लेकिन इनफैक्ट आपका आ, जो लेवल है वो इजी है तो आपको जनरली ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा डोंट वरी अगर नहीं दिया है अगर आपका एसिड बेस या आयन दिया है तो प्लीज लेट मी नो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दोबारा बता दूंगी कि ग्राम इक्वेलेंट कैसे निकालते हैं या इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दिया जाएगा ठीक है अब आते हैं हम आगे नॉर्मेलिटी का, का काम हो गया नॉर्मेलिटी की यूनिट तो देख लें हम लोग यूनिट होगी इसकी ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर ठीक है यूनिट मत भूलना जब आप आंसर निकाल लो यूनिट का कम से कम एक नंबर या आधा नंबर होता है यूनिट पता होगी तो इजीली आपका काम हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग मुलेरिटी मुलेरिटी क्या होता है आपका Number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. I am again repeating. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन ये इसका फॉर्मूला है कि कितने मोल्स हैं सल्यूट के और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो यहाँ पे आपका एक चीज काम आ जाएगा दैट इज मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला अगर इन केस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है और आपको मोल्स निकालने हैं तो आप मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा के मोलैरिटी को आराम से निकाल सकते हो यूनिट इसकी होगी ग्राम पर लीटर ठीक है तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपकी मोलारिटी सॉरी ग्राम पर लीटर नहीं मोल पर लीटर मोल पर लीटर क्योंकि आपका मोल मोल है न, number of moles है ना नंबर ऑफ मोल्स तो per liter. तो पर लीटर लीटरिटी क्या है कितने मोल सल्यूट के प्रेजेंट है एक लीटर सल्यूशन में तो ये है मोलारिटी का फॉर्मूला एंड आपको मैं साथ के साथ डेफिनेशन भी हिंदी में बताती जा रही हूँ और जो फॉर्मूले से ही रिलेटेड है तो अगर आपको पेपर में आ रही है तो आप पहले इसको फॉर्मूले को लिखो और उसके बाद फिर आप फॉर्मूले के बेस पे ही आप बेसिकली डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं अगला है आपका मुलालिटी क्या है मुलालिटी मुलालिटी को मैं छोटे एम से रिप्रेजेंट करती हूँ मुलालिटी को बड़े एम से कैपिटल एम से और यहाँ मुलालिटी को मैं छोटे एम से रिप्रेजेंट करती हूँ और ये क्या है मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ठीक है हमेशा किलोग्राम में लेना आपका यहाँ पे इसका मतलब है कि कितने मोल्स ऑफ सल्यूट एक किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं। अगर आपको सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड कर देना ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है या उसको कन्वर्ट कर लेना किलोग्राम में ठीक है तो क्या है मोलालिटी की डेफिनेशन मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो ये आपका मोलालिटी है मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम मोल पर किलोग्राम ठीक है तो किलोग्राम में ही होना चाहिए सॉल्वेंट, ऐसे ही आपका जो मुलालिटी थी उसमें आपका सॉल्वेंट लीटर के अंदर होना चाहिए सो ये आपकी मुझे मुलालिटी थी ये फाइनल आपका हम लोगों ने आज कंसेंट्रेशन की कुछ टर्म्स को पढ़ लिया है अब जब हमने मुलालिटी पढ़ ली है तो मैं आपको एक आश्वासन दे देती हूं कि आपने कंसंट्रेशन टर्म्स को ऑलमोस्ट पढ़ लिया है ठीक है अगली क्लास में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हम इनसे टैकल कर सके और इजीली हमारे सोल्यूशन का जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम इजीली उनको कर सके इजीली हम मार्क्स स्कोर कर सके और हमें ये चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आज का रिवाइज करते हैं दोबारा समरी summary... तो समरी को रिवाइज करना शुरू करते हैं तो हमने सोल्यूशन पढ़ा था सोल्यूशन क्या होता है आपका होमोजिनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते सॉरी डाले जाते हैं और वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं और साथ के साथ उनकी जो कंपोजिशन है वो सर्टेन लिमिट्स तक ही चेंज हो सकती है आपका सॉल्वेंट और सल्यूट को मिलाकर ही सल्यूशन बनता है सॉल्वेंट आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है और सल्यूट आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है अगर एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट है सल्यूशन में तो उसको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं

किसी के पास H प्लस हाइड्रोजन uh, होंगे तो हर कोई आपका एसिड नहीं होता ऐसा जरूरी नहीं है जिनके पास सबके पास हाइड्रोजन हो तो वो एसिड ही हो फॉर एग्जाम्पल एच टू एंड सी एच ओ फोर बेसिस पे आते हैं बेस होते हैं जो वॉटर के अंदर ओ एच माइनस आयन रिलीज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एन एच एंड के ओ एच यहाँ पे हमने एल्कली भी पढ़ा एल्कली और बेसिस में फर्क होता है एल्कली वो जो बेसिस का एक्वेल्यूशन होता है देन आते हैं हम सॉल्ट पे सॉल्ट कैसे बनता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है उसी सोल्यूशन को हम या उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है अब आते हैं एसिडिटी पे एसिडिटी वो होती है जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल ओ OH एच फर्निश यानी बनाता है एक्वाशन में फॉर एग्जाम्पल एन ए ओ एच एन सी एच देन बेसिसिटी बेसिसिटी पे आते हैं क्या होता है जितने H फर्निश करेगा एक मॉलिक्यूल -like में उसको हम बेसिसिटी से डिफाइन करते हैं तो जितने एच बेसिसिटी आते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स पे यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ मोलारिटी मोलिटी एंड नॉर्मैलिटी उससे पहले मैंने आपको बताया था मोल क्या होता है मोल आपका गिवन मास और मोला मास से निकाला जा सकता है वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर से निकाला जाता है एंड मॉलिक्यूल एटम अपॉन नंबर से भी निकाला जा सकता है तो अगर आपको मोल चाहिए और आपके पास मास या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल की टर्म्स है तो आप मोल आराम से निकाल सकते हो देन आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ पे क्या होता है जब आपका एक सल्यूट जो है कि ग्राम में है वो एक लीटर सल्यूशन के अंदर है तो उससे हम स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं ये जनरली हमें टाइट्रेशन अगर हमें बहुत काम आता है लैब में जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उनमें ये चीजें बहुत काम आती हैं फिर आते हैं नॉर्मेलिटी पे नॉर्मैलिटी क्या था हमारा नॉर्मैलिटी था कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोलू जो है वो एक लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ग्राम इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इन केस नहीं दिया जाता तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट हमने क्या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन बैलेंसी ऑफ एलिमेंट तो यूनिट इसका क्या था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर देन आते हैं मोलारिटी पे मोलारिटी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कितने मोल सॉल्यूट के एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं मोलैरिटी इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी डोनेट करते हैं अगला आते हैं हम मोलैलिटी जो लास्ट था हमारा मोलैलिटी क्या था कितने मोलस ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है और उसकी यूनिट क्या है मोल पर किलोग्राम तो ये था सारा का सारा बेसिक पार्ट जो हमने लर्न करना है अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है आप इनको लर्न करोगे और जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तो आप इजीली फॉर्मुले बता सकते हो मुझे ठीक है बताओगे या बता सकते हो और इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो अगली क्लास किसकी होगी आपकी एप्लीकेशन पार्ट यानी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम बहुत सारे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोगों को अच्छा लगा हो लेक्चर आई होप सो थैंक यू